नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सदाशिव ठाकरे और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लैनेट। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा कि कौन से भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है डुप्लेक्स मेथड से। लास्ट टू वीडियोस में दो नंबर का, दो डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, थ्री डिजिट का कैसे निकाला जाता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज हम देखेंगे फोर डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है डुप्लेक्स मेथड से। डुप्लेक्स मेथड में आपको मालूम है, यह है डुप्लेक्स मेथड का मैंने यहाँ पे लिख लिया है। डुप्लेक्स मेथड में समझो डुप्लेक्स ऑफ वन डिजिट है तो वन डिजिट का स्क्वायर, अगर डुप्लेक्स ऑफ टू डिजिट है तो टू इंटू ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अगर डुप्लेक्स ऑफ तीन डिजिट है तो टू ए सी प्लस बी स्क्वायर लिखना है, अगर डुप्लेक्स ऑफ फोर डिजिट है तो टू ए डी प्लस टू बी सी लिख सकते हो, और अगर पांच डिजिट का डुप्लेक्स है तो टू ए प्लस टू बी डी प्लस सी स्क्वायर ये आप लिखना है दोस्तों। ये दिस मेथड, ये जो पांच रूल है, ये पांच रूल का हमें यूज करना है स्क्वायर निकालते समय। तो आज चलते हैं चार डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं फोर डिजिट। एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, वन टू टू वन का स्क्वायर निकालना है। अभी इससे पहले मैं आप यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं, समझो ए बी सी डी चार डिजिट का स्क्वायर निकालना है डुप्लेक्स मेथड से, तो आप कैसा लिखना है उसको, तो ऐसा लिख सकते, पहले ऐसा लिखना है डुप्लेक्स ऑफ ए, बाद में डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी, डुप्लेक्स ऑफ बी सी डी, डुप्लेक्स ऑफ सी डी एंड डुप्लेक्स ऑफ डी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन स्टेप आपको चार डिजिट का स्क्वायर निकालते समय आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल, वन टू टू वन टू द पावर टू स्क्वायर, 1221 का स्क्वायर निकालना है तो डुप्लेक्स मेथड से। ओके दोस्तों, डुप्लेक्स ऑफ ए मतलब वन, डुप्लेक्स ऑफ वन, डुप्लेक्स ऑफ वन, डुप्लेक्स ऑफ वन टू, डुप्लेक्स ऑफ वन टू टू, डुप्लेक्स ऑफ वन टू टू वन, डुप्लेक्स ऑफ टू टू वन, डुप्लेक्स ऑफ टू वन एंड डुप्लेक्स ऑफ वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डुप्लेक्स ऑफ वन क्या आएगा, वन मतलब क्या है स्क्वायर करना है तो वन आएगा, डुप्लेक्स ऑफ वन टू, टू डिजिट का डुप्लेक्स ऐसा निकलते टू इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट क्या आएगा फोर, थ्री डिजिट का कैसे निकलते टू ए सी प्लस बी बी स्क्वायर, ए सी मतलब क्या है ए दो का मल्टीप्लाई इंटू टू और इसका स्क्वायर क्या आएगा एट आएगा थ्री डिजिट का। इसके बाद फोर डिजिट कैसे निकालते हैं टू ए डी प्लस टू बी सी तो क्या आएगा दस आएगा, ये तीन डिजिट का ऐसे निकालते टू ए सी प्लस बी स्क्वायर आठ, और दो डिजिट का टू इंटू वन टू इंटू टू फोर, और वन का वन स्क्वायर मतलब वन ये आ गया, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करना है वन फोर एट, दस का जीरो लिखो वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वन इधर आया तो कितना आएगा नौ चार एक, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, समझ में आया, इतना आसान है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, वन थ्री 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 का स्क्वायर है
कैसे निकालना, डुप्लेक्स ऑफ वन पहला डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ पहले दो डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ पहले तीन डिजिट 1 3 3, ऐसे जाना है दोस्तों, डुप्लेक्स ऑफ 1 3 3 3, डुप्लेक्स ऑफ क्या एक छोड़ना 3 3 3, बाद में डुप्लेक्स ऑफ 3 3, डुप्लेक्स ऑफ 3, 1 2 3 4 5 6 7, ओके लिखो। 1 का डुप्लेक्स क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 3 का डुप्लेक्स 2 × 3 मतलब क्या आएगा, 6 आएगा, 1 3 3 2 × 3 × 1 3, 6 6 + 9 कितने आएंगे, 15 आएगा, इसका क्या है 2 AD + 2 BC, 6 18 18 और 6 24, इसका 9 18 18 + 9 कितना आएगा 27, इसका 2 AB मतलब 9 9 2 18 18, और इसका स्क्वायर 9, तो इसका कैसे लिखना है 9 8, एक इधर कैरी फॉरवर्ड होगा, एक इधर आया 27 28 आएगा 8, दो इधर कैरी फॉरवर्ड 26 24 का 26 हो गया 6, दो इधर कैरी फॉरवर्ड 17 हो गए, 17 का 7, एक इधर आ गया 7 हो गए 1 का 1, ये हो गया अपना स्क्वायर। इस प्रकार से कौन से भी 4 डिजिट का नंबर आप 4 या 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप ये 7 स्टेप लिख सकेंगे और आंसर निकाल सकेंगे। इसी प्रकार आप 5 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हो दोस्तों, वैसे ही करना है। 5 डिजिट में कैसा है, अभी यहाँ पे आप स्टार्ट करिए, डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, डुप्लेक्स ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट, अगर 5 डिजिट है तो डुप्लेक्स ऑफ 5 डिजिट ऐसा आएगा, बाद में 5 डिजिट का डुप्लेक्स, बाद में ये पहला छोड़ने का और स्टार्ट करने का, इसी प्रकार इसमें 2 स्टेप बढ़ेंगे। इस प्रकार आप 5 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ क्यूरीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।